हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ, और साथ में देखेंगे तीन स्टॉक कल इंट्राडे ट्रेड के लिए, क्योंकि स्टॉक्स भी ज़रूरी हैं। तो आज पहले बात कर लेते हैं, शाम दिन में 2:30 बजे के आसपास एक शॉर्ट्स डाली थी, उसको कहा था कि डिस्कस करेंगे। तो ये पैटर्न जैसे हम लोग एक बार डिस्कस किए थे कि ये ऑलमोस्ट देखो वी शेप रिकवरी होती है, फिर थोड़ा सा नीचे गिरता है और एक अच्छा खासा शार्प अप मूव मिलता है। इसको कहाँ गया भाई, कर ऐसे भी करके दिखाया था अगर याद हो तो, बना के दिखाया था कि एक ऐसे सेमी सर्कल की तरह यहाँ पे बनता है, एक आर्क की तरह, फिर एक अच्छी खासी रिकवरी मिलती है इसको ब्रेकआउट के बाद। तो यही कॉल दी थी और अच्छा खासा इसका टारगेट मिला था, जो लोग लिए होंगे काफ़ी खुश होंगे। कितना, एक लॉट पर लॉट प्रॉफिट अराउंड 1500 1400 के आसपास हुआ था यहाँ पे कहीं, जब मार्केट 80 के पास थी और ये टोटल गया 400 के आसपास, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। अब पहले देख लेते हैं और कौन कौन सी ट्रेड बनी थी यहाँ पे। तो तीन ट्रेड बनी थी इन टोटल, एक तो यहाँ पे दे दी थी, सुबह बता नहीं पाए थे क्योंकि ये वाली ऊपर वाली ट्रेड डाउन साइड वाली नहीं बता पाए थे, क्योंकि सुबह थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई थी, थो बिज़ी हो गया था थोड़ा। तो एक ट्रेड तो यहाँ मिल गई थी जैसे बताया था, ये भी कल डिस्कस हुआ था, ये ऐसे ऐसे भी ट्रेड क्या, इसमें तरह ट्रेड कैसे ले सकते हैं जब मार्केट खुले ऐसे गैप अप और अपने आज के जो सुबह सुबह लो बनाया था उसको तोड़ के जब नीचे जाने लगे, तो उसमें ट्रेड में एंट्री कैसे लेनी, ये बताया था स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था कल, अगर याद हो तो बताए थे यहाँ पे कि पहली कैंडल का जो लो हो, जब उसको तोड़ने लगे, उसको तोड़ के नीचे जाने लगे, तो एंट्री कैसे लेनी है। आज भी वही चीज़ हुई थी, एक छोटा टारगेट मिला था, हमको लगता है 30 पॉइंट का होगा यहाँ पे, 29 पॉइंट के एक यहाँ पे एंट्री मिली थी, फिर एक एंट्री मिली थी यहाँ पे जब ये वाला अपना सपोर्ट तोड़ के नीचे जाने लगा। अब ये सपोर्ट आपके पास नहीं है तो भी इसको देख के अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि अगर एक बार मार्केट नीचे आए, प्राइस एक्शन को समझना, एक बार मार्केट नीचे आए, पेंसिल कहाँ गई यार, एक बार मार्केट ऐसे प्राइस एक्शन बना के नीचे आए और फिर ऊपर जाए, तो ये वाला प्राइस एक्शन समझना, जब इसको तोड़ के नीचे आने लगे तो एक फ्रेश पोजीशन यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगेगा। और नेक्स्ट सपोर्ट के लिए देख लो कहाँ पे है, नेक्स्ट सपोर्ट के लिए ट्रेडिंग कर सकते हो, या कोई यहाँ से वो निकाल लो एक प्राइस एक्शन, जैसे ये टारगेट ले सकते थे, ये वाला स्विंग का लो टारगेट ले सकते थे, कोई पिछले स्विंग का लो का टारगेट बना के ऐसे ट्रेड कर सकते। तो ये हो गई दूसरी ट्रेड, और तीसरी ट्रेड यहाँ पे जो थी वो दे दी थी। थोड़ा सा वॉलेटाइल दिन था, पिछले 3 दिन से ही देख लो कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कम से कम दिन में 3 से 4 ट्रेड रोज मिल रही हैं। बस इसमें तुमको मुश्किल से भी, अगर मान लो 2 में भी स्टॉप लॉस हट हो गया, 1 में भी प्रॉफिट आ जाता ना, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हेट हो जाता, कितने का होता, 700 का हो जाता, 700 600 का मैक्स टू मैक्स। इसमें 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 लॉस होने की बात नहीं, इसमें कुछ बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, इस कैंडल के ऊपर लगाना था, बहुत होता 200 300 के इसका लॉस होता, इसमें से एक भी ट्रेड सही चली जाती ना तो प्रॉफिटेबल होते हैं। अब पिछले 3 दिन से देख लो कितनी कितनी ट्रेड्स मिल रही हैं रोज़ के रोज़, तो इतना पूरा परफेक्ट नहीं होना है, बस हमें दिन में 1 से 2 ट्रेड सही पकड़नी है और कुछ नहीं। तो अब देखते हैं कल क्या हो सकता है कल के, क्योंकि तो आज मार्केट की इन टोटल अगर बात की जाए तो एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था यहाँ पे, फिर लेकिन उसके बाद रिकवरी भी अच्छी देखने को मिली थी। तो इन टोटल क्या कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में, अब आज की कैंडल देखोगे डेली चार्ट पे तो ये देखने को मिल रहा है नीचे से कितना बड़ा रिजेक्शन है। ड्रॉइंग हटा देते हैं फिर दिखाते हैं, नीचे से पिछले 1 2 3 4 4th दिन हो गया रिजेक्शन देखो कैंडल की, रोज रोज रिजेक्शन मिल रही है एक, तो नीचे से बार बार बेयर्स का स्टॉप लॉस हिट होता जा रहा है जैसे बता रहे हैं। अब बार बार ऐसा होगा तो क्या होगा कि एक समय के बाद भी उनका मतलब कितने देरी तक गेम खेल सकता है कोई, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा तो ऑलमोस्ट फिर
17,700-18,000 के पास तो सेलिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग, वहाँ से ही अग्रेसिव सेलिंग करेंगे। अभी बीच में जब तक डिप्स पे आ रही है तब तक कोई मतलब नहीं है। अब जैसे ये अगर इस सपोर्ट को नीचे तोड़ के अगर यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती ना, तब फ्राइडे को हो सकता है कोई कि भाई शॉर्ट पोजीशन बनाना स्टार्ट करते, बट ऐसा सिनेरियो हुआ नहीं, तुरंत ऊपर चली गई हमने। इसीलिए कहते हैं लोज मार्क करके रखो, ये वाला लो जब तक नहीं टूटता तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी में, खैर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कंसर्निंग है फिलहाल, क्योंकि बताते हैं उसके बारे में, क्योंकि ये वाले स्विंग जैसे इसमें बैंक निफ्टी का नीचे क्लोजिंग मिली थी बस, और कुछ नहीं है। तो कल क्या करना होगा, कल अगर इस स्विंग के ऊपर अगर हमें एंट्री मिलती है, मतलब इस स्विंग के ऊपर अगर कैंडल मिलती है कोई भी, तो हम लोग बाय इनिशिएट कर देंगे। पहला टारगेट सिंपल सा रहेगा ये, और दूसरा टारगेट यहाँ तक के लिए होगा, या अकॉर्डिंगली जैसा प्राइस एक्शन बने उसके हिसाब से टारगेट लेंगे। ये भी बहुत, ये भी अच्छा खासा टारगेट है। अगर यहाँ तक के लिए मिलता है तो हमें 92 पॉइंट्स का टारगेट अच्छा है। डाउन साइड के लिए हम लोग सेलिंग स्टार्ट करेंगे इस स्विंग के नीचे, इस स्विंग के नीचे, या जैसे बताया था अगर ऐसे खुलता है यहाँ कहीं बीच में, उसके बाद नीचे आने लगता है, तो यहीं से हम लोग सेलिंग स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर देंगे। फिर ये टारगेट लेंगे पहला, यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर यहाँ फिर प्राइस एक्शन बना के नीचे जाता है तो बाद में और एडिशन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा निफ्टी की कल ट्रेडिंग। और बैंक निफ्टी के देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में यही कह रहे थे कि ये थोड़ा सा कंसर्निंग है कि एकदम एग्जैक्टली अपने इस जो ये वाला स्विंग का लो, ये नहीं सपोर्ट, ये होगा हमारा। तो इस सपोर्ट के एकदम वहाँ पे बंद हुआ है, एग्जैक्टली सपोर्ट के ऊपर भी नहीं नीचे नहीं, इसी सपोर्ट पे बंद हुआ है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है कि कहाँ जाएगा, बट एक तो फिर भी पॉजिटिव देखोगे तो एक पॉजिटिव वो बना हुआ है, पैटर्न बना हुआ है। तो उसका भी ट्रेड इसकी भी सिंपल रहेगी, बस इस लेवल के ऊपर अगर हमें स्टार्टिंग मिल जाती है डे की, या कैंडल आ जाती है यहाँ पे नीचे से खुल के भी यहाँ पे आ जाती है कैंडल, तो इसके ऊपर हम लोग बाइंग स्टार्ट कर देंगे। पहला टारगेट अपना यहाँ का ले सकते हैं इस लेवल्स का, 38,000 का। फिर दूसरा टारगेट इसके ऊपर जैसा प्राइस एक्शन बने उसके अकॉर्डिंगली लेंगे। कल थोड़ा सा बड़ा टारगेट लेने के लिए अवॉइड इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि आरबीआई की वो भी है ना, उनके डिसीजंस भी आने हैं, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, तो इसलिए छोटे छोटे लेते हैं। 90 पॉइंट्स टू बैंक निफ्टी में, 200 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, ज़्यादा का नहीं लेंगे, 239 पॉइंट्स फिर भी सही है। अब इसकी भी सेलिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे जब इस स्विंग के नीचे आ जाता है, इस स्विंग के नीचे अगर हम लोग क्लोजिंग पाते हैं तो स्टार्ट कर देंगे सेलिंग। सेलिंग थोड़ी सी फास्ट कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है तो थोड़ा सा तेज़ सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक ऑलमोस्ट ये डबल टॉप टाइप से भी हो जाएगा ना ऐसे करके, तो यहाँ से स्टार्ट सेलिंग थोड़ी फास्ट स्टार्ट कर सकते हैं इन लेवल्स के लिए। पहला टारगेट अपना ये होगा, दूसरा टारगेट अपना ये होगा, फिर तीसरा इस गैप के लिए ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। और देख लेते हैं स्टॉक्स, रिलायंस देखेंगे तो रिलायंस भी देखेंगे, तो एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम के साथ क्लोजिंग मिला है। इस पैटर्न की बात कर चुके हैं 2-3 बार। अब इसके ऊपर हमें कल अगर कैंडल मिलती है तो यहाँ तक के लिए ट्रेड करेंगे हम। एशियन पेंट्स देख लेते हैं, एशियन पेंट्स भी वैसे सिमिलर पैटर्न देखने को मिला है, निफ्टी, एशियन पेंट्स, रिलायंस। इस और ये तो शायद हमको लगता है ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है एशियन पेंट्स। हाँ एशियन पेंट्स ऑल टाइम हाई के पास आ गया, तो ये एक बुलिश पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। टारगेट रहेगा इसका 3,500। बजाज फाइनेंस देख लेते हैं, बजाज फाइनेंस देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन पे बैठा हुआ है और कंसोलिडेट कर रहा है। तो बजाज फाइनेंस शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग इस लेवल के नीचे, अगर यहाँ हमें क्लोजिंग मिलती है इन लेवल्स पे, अगर क्लोजिंग मिलती है डाउन साइड तो ये ट्रेड ले सकते हैं हम लोग, पर अप साइड अगर इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो 80-90 पॉइंट्स का ऊपर अप साइड ट्रेड ले सकते हैं।
अगर इसको ब्रेक करें तो 100 पॉइंट्स तक भी जा सकते हो, ले जा सकते हो बजाज फाइनेंस, क्योंकि इसमें मोमेंटम बढ़े जाते हैं। तो चलो इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने आप को मार्केट के अंदर अपडेटेड रखने के लिए नोटिफिकेशन या बेल आइकन जिसको कहते हैं उसको दबा देना, क्योंकि शॉर्ट्स के थ्रू अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ओके बाय।